अस्सलाम वालेकुम। मेरे सभी बिदर के वोटर्स, मेरे वार्ड नंबर 4 के वोटर्स, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मेरे और माँ बहनों सभी ने बहुत अच्छी वोटिंग करके हमारे रहीम खान साहब को बहुत बड़ी लीड से जीता है। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी बात रखे, क्या भी मैं बोला था मेरी बात भी रखे, और सभी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छी से अच्छी लीड से उनको जीता है, सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। पिछली बार आपने कहा था कि सभी घोड़े गधे चरने गए, घास सूख गई है, वो आ जाएंगे। तो क्या उनके जाने से भी ये जीत गए हैं या वो फिर वापस आ गए? नहीं, जो भी अब हमारे कैंडिडेट रहेंगे इसके बाद अभी आने वाले 5 साल में, उनको एक ये नसीहत मिल गई है, कौन से भी घोड़े गधों को या घास डाले तो अंदर सिटी में इसका कुछ नहीं होता। अंदर सिटी में ना कोई एक वोट डालता ना कुछ होने वाला है। और ये घास डालना, चराना, चरना, वो सब हमारे वोटर्स पूरे इनको अच्छा सबक सिखाएं, दोबारा कोई अंदर सिटी में ये हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगा। कांग्रेस ने जो वादा किया था कि कांग्रेस से गारंटी कार्ड एक स्कीम योजना लाएंगे, तो क्या आप सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, तो क्या जो वादे किए थे वो पूरे होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह जैसा ही हमारे को सीएम बनेंगे, कैबिनेट जी में रख के पास करेंगे, बिल्कुल 100% ये स्कीम लागू होने का चांस है। जो जो गारंटी कार्ड में वादे किए हैं, जल्द से जल्द सब हम भी बोलेंगे, पूरे काउंसलर जाको जल्द से जल्द करो भाई, और बोले सर वादा करे सर, बिल्कुल बोलेंगे। सर, टू बी कैटेगरी रिजर्वेशन 4% कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 40 दिन के अंदर वापस लेते हो मेरे थे ये बिल, वो क्या है उसका? बिल्कुल, हम भी उसके वास्ते रिकमेंड करेंगे और जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। जी सर, बहुत दिनों से बीदर का एक मुद्दा है कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है काउंसलर इलेक्शन होकर, चेयरमैन कौन बनेगा ये बहुत बड़ा मुद्दा था बीदर का, लेकिन एमएलए इलेक्शन भी अभी हो गया है, तो अब क्या चेयरमैन बनेगा सर अभी ये? अब तक डेट नहीं थी, कैटेगरी तो BCA कैटेगरी ऐसा है, उसमें मुसलमान आता है। अब तक डेट नहीं है, अब हमारी पार्टी बनेंगी, अब ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट बनेंगी, तो जल्द से जल्द डेट आएंगी और जल्द से जल्द ये हमारी पार्टी फॉर्म में आएंगी। अब क्या चेयरमैन आपको ही बनाएंगे रहीम खान? नहीं, अब हमारा हाईकमान जो डिसाइड करेगा, हमारे शोर साहब है, हमारे रहीम भाई है, पार्टी है पूरा, उन्होंने जो डिसाइड करेंगे, उम्मीद है अल्लाह चाहे तो सब होंगे। सर, जो घर वापस चले गए क्या आपके गवर्नमेंट आने के बाद में, वो रिटर्न होंगे घर? घर वापस गए सो 200 चिल्लर घर वापस गए बन के बोल रहे थे यहाँ बिदर से। हाँ, सीएमसी के नहीं, घर वापस नहीं गए। अब तो सीएमसी का बहुत काम है, बाड़ी बनने के बाद तुम सोच नहीं सकेंगे, अल्लाह चाहा अगर मैं बना तो एक इतिहास के जैसा बता दूंगा बिदर को, क्या क्या सीएमसी से काम हो सकता है। हर घर को मशीन है, अब हमारे वार्ड में तो काम पूरा हो गया, इससे पहले बोला था उन्होंने, बहुत है इसमें बजट, अभी 50 लाख तो मेरे एरिया में भी बैलेंस है, हर एरिया में बजट बैलेंस है। अब वहाँ का जो जो काउंसलर जो जो प्रपोजल देंगे वो काम होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं। और यही मैं पूरे वोटर्स से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी बात भी रखे और सबके पूरे वोटर्स, जितने भी हर जना एक वोट का मालिक रहता है, मगर पूरे जने जो ये चरने वालों को बताएं उनकी औकात, इसके वास्ते मैं पूरे जितने भी मेरे भाया हैं उन्होंने जो बताएं उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बात कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ।